तो हेलो मेरे भाई लोग, कैसे हो आप लोग। तो देखिए, WWE के जितने भी फैंस है, स्पेशली मैं इंडिया का बात कर रहा हूँ, इंडिया के जितने भी नेवर कंट्री में उनका बात कर रहा हूँ, अगर उनमें से आप किसी से ये पूछेगा WWE के अंदर तुम्हारा फेवरेट क्या, तो सबसे फर्स्ट थिंग निकल कर आएगा रोमन रेंस, सेकंड थिंग शील्ड निकल कर आएगा। शील्ड एक ऐसा फ्रैक्शन था WWE के अंदर जिसको कोई भी रेसलर कभी भी चाहकर भी भूल नहीं सकता या कोई भी ऑडियंस नहीं भूल सकता इसको। ऑल्दो मैंने आज के कुछ टाइम पहले एक वीडियो भी ड्रॉप किया था जिसके अंदर मैं ये बोला था आपका फेवरेट शील्ड है या फिर ब्लडलाइन है, तो ब्लडलाइन ज्यादा पावरफुल है ये बात मैं भी मानता हूं, पर उसके बावजूद भी ज्यादा लोग शील्ड को वोट दिए क्योंकि शील्ड से इमोशनली बहुत सारे लोग कनेक्टेड हैं इंडिया। तो चलिए अब टॉपिक को ज्यादा नहीं घिसते, अब सीधे हम टॉपिक के ऊपर आते हैं। आज का टॉपिक ये, क्या डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर वापस आ सकते हैं या फिर नहीं, और आखिर कौन सा वजह था कि डीन एम्ब्रोस WWE कंपनी छोड़कर AEW कंपनी के अंदर चले गए और क्या वो वापस आएंगे या फिर नहीं। तो भाई पूरी टॉपिक को बहुत अच्छे से डिटेल में बात करने वाला, तो बस वीडियो में लास्ट तक आप लोग बने रहिए। और हाँ, अगर आपको नहीं पता तो मैं अपने चैनल के ऊपर हर रोज एक स्पेशल वीडियो लेकर आता हूँ जिसमें पर्टिकुलर एक टॉपिक के ऊपर मैं बात करता हूँ। भाई रिक्वेस्ट है आपसे, जो लोग चैनल पर नए हो सारे लोग सब्सक्राइब कर लो भाई, कोई लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो सारे लोग प्लीज रिक्वेस्ट है आपसे, सारे लोग सब्सक्राइब कर। अगर आप लोग की किसी भी तरह से मुझसे मदद चाहिए या मेरे से पर्सनली आपको बात करना, तो सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाइए, मैं सबसे पर्सनली बात करता हूँ इंस्टाग्राम के ऊपर, तो सारे लोग आ जाइए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला ये सवाल है कि शील्ड को आखिर डीन एम्ब्रोस ही क्यों छोड़े। आप इसको ऐसे भी सोच सकते हैं कि आखिर WWE को डीन एम्ब्रोस ही क्यों छोड़े थे, उनको सेथ रॉलिंस क्यों नहीं छोड़े थे या फिर रोमन रेंज क्यों नहीं छोड़े। अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं ये भी बहुत बड़ा वैलिड पॉइंट है, सेथ रॉलिंस के पास भी मौका था या फिर रोमन रेंज के पास भी मौका था, पैसा तो ज्यादा ही देते AEW कंपनी वाले। पैसा यहाँ पर कोई भी मैटर नहीं करता क्योंकि डीन एम्ब्रोस ऑलरेडी एक इंटरव्यू के अंदर बताए थे कि मुझे WWE वालों से बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा था, मैं हैप्पी था, पर मुझे पैसा नहीं चाहिए था। बात एक्चुअल में क्या था, रोमन रेंज को हमेशा से ही WWE बहुत ज्यादा ओवर पुश कर रही थी, आपको पता ही होगा पूरा सीन उनको अंडरटेकर के साथ मैच हुआ, उनका ट्रिपल एच के साथ मैच हुआ। वहीं अगर हम सेथ रॉलिंस का बात करें तो सेथ रॉलिंस को WWE काफी अच्छा पुश कर रही थी, अथॉरिटी फिगर के अंदर भी लाए थे, ऐसे भी बहुत अच्छा पुश कर रही थी। जिस समय WWE को छोड़े थे डीन एम्ब्रोस, आपको पता होगा उसमें यूनिवर्सल चैंपियन भी थे सेथ रॉलिंस, आई थिंक उसमें ब्रॉक लेसनर को हराकर बने थे यूनिवर्सल चैंपियन। तो भाई सबसे फर्स्ट पॉइंट यही था डीन एम्ब्रोस को छोड़ने का कि वो शील्ड के दोनों मेंबर को तो पुश कर रहे थे, पर हां डीन एम्ब्रोस को कभी भी हाईलाइट नहीं मिला था WWE के अंदर। दूसरा सबसे बड़ा कारण यह था, शील्ड कभी भी एक स्टेबल फ्रैक्शन ही नहीं रह गया। जैसे आप आज के टाइम पर ब्लडलाइन को ले लो, ब्लडलाइन के अंदर मुझे पता है गेम ऑफ थ्रोन्स हो रहा है, सारे लोग एक दूसरे के चैंपियनशिप बेल्ट लेना चाह रहे हैं। सोलो सिकोवा यहां पर रोमन रेंज से अब जलना शुरू कर दिया, यहां पर सैमी ज़ेन जो है उनको चैंपियनशिप बेल्ट चाहिए उसोस का। पर भाई इसके बावजूद भी अगर देखा जाए तो ब्लडलाइन के अंदर कहीं ना कहीं एक रियूनियन है, सारे लोग साथ में रहते हैं। पर वहीं अगर हम बात करें शील्ड का क्या सीन था, भाई शील्ड स्टेबल ही नहीं रहता था, कितनी बार ये टूटा। आपको याद होगा जिस दिन रोमन रेंज ल्यूकेमिया के चलते मतलब WWE से छोड़कर वो गए थे, उसी दिन शील्ड का फिर से ब्रेकअप हो गया। मैं उसमें WWE को फॉलो करता था, मुझे पूरा स्टोरी लाइन मुझे याद है, आप लोगों को याद है कमेंट सेक्शन में सारे लोग ऐसे बता सकते। तो जैसे ही रोमन रेंज WWE कंपनी को छोड़ के गए थे, डीन एम्ब्रोस का हिल्टन करवा दिया गया अगेंस्ट सेथ रॉलिंस, जो कि डीन एम्ब्रोस के प्रोस्पेक्टिव से भी काफी बुरा चीज था, ऑलरेडी डीन एम्ब्रोस सेथ रॉलिंस दोनों इमोशनल थे। उसके बाद क्या हुआ, सेथ रॉलिंस एक बेबी फेस निकलकर सामने आ गया, सेथ रॉलिंस के यूनिवर्सल चैंपियनशिप बेल्ट के लिए मौका भी मिल गया, वो ब्रॉक लेसनर के हाथ से चैंपियनशिप बेल्ट भी ले लिया। पर यहां डीन एम्ब्रोस के साथ अलग ही सीन था, बॉबी लेस्ली को बहुत ज्यादा ओवर पुश करने के लिए यहां पर डीन एम्ब्रोस को लाया गया। आपको अगर याद होगा तो डीन एम्ब्रोस का मैच हुआ था वहां पर बॉबी लेस्ली के साथ, जहां बॉबी लेस्ली बहुत ज्यादा ब्रूटली मारे थे डीन एम्ब्रोस, और बहुत वहां पर इमोशनल मूवमेंट बहुत ज्यादा वायरल हुआ था, रेनेंग जो उनकी वाइफ है उनके सामने बहुत गंदा तरीके से डीन एम्ब्रोस को मारे थे यहाँ पर बॉबी लेस्ली। आप खुद ही सोच कर देखो, आप खुद एक इंसान हो, अगर वाइफ के सामने अगर आपको मारा जाए बहुत बुरी तरह से, आपको कैसा फील होगा। और साथ ही साथ आज के टाइम में पहले के टाइम में बहुत ज्यादा अंतर था, जैसे आज रोमन अपने अकॉर्डिंग स्टोरी लाइन वगैरह चला सकते थे, पर ऐसा विंस मैकमहन के राज में ऐसा बिल्कुल भी नहीं। तो ये बहुत बड़ा एक रोल निभाया था जो कि डीन एम्ब्रोस को मजबूर किया WWE कंपनी को छोड़ने के, क्योंकि प्रॉपर स्टोरी लाइन डीन एम्ब्रोस को कभी मिल ही नहीं पाया, प्रॉपर जो फ्यूड होता है वो मिल ही नहीं पाया किसी पर्टिकुलर रेसलर के। उसके बाद WWE वाले क्या किया, उसके बाद फिर से रोमन रेंज आ गए, फिर से शील्ड का रियूनियन करवा दिया WWE। और एक्चुअल में डीन एम्ब्रोस का उसी समय कॉन्ट्रैक्ट भी खत्म होने वाला था WWE के साथ, और WWE को ऑलरेडी पता चल चुका था कि डीन एम्ब्रोस और WWE के अंदर रहने नहीं वाले। उसके बाद अगर आपको याद होगा, मैंने इस बात को अपने वीडियो के अंदर भी कवर किया था कि उस मैच के अंदर सिर्फ डीन एम्ब्रोस को $500 दिया गया था मैच रेसल करने, मतलब आप समझ सकते हो WWE वाले कितना रूडली और कितना ज्यादा ब्रूटली बिहेव कर रहे थे डीन एम्ब्रोस के साथ उस वक्त। और हाँ, एक बात और मैं आपको बता देना चाहता हूँ, WWE कंपनी जब छोड़े थे, डीन एम्ब्रोस का नहीं प्लान था AEW के अंदर जाने का। जब उन्होंने WWE छोड़ दिया था उसके काफी टाइम बाद फिर से वो AEW के अंदर गए, फिर से वो न्यू स्टार बनकर वहां से बाहर निकले। तो भाई अब आपको पता चल गया कि डीन एम्ब्रोस आखिर क्यों छोड़ के गए थे WWE से, क्या क्या उनका वैलिड रीजन था WWE को छोड़ने का। और हाँ, अगर आपको नहीं पता, अगर आप मेरे शॉर्ट्स वीडियो नहीं देखे हो, तो मैंने एक स्पेशल वीडियो बना था जिसके अंदर मैं ये बात किया था डीन एम्ब्रोस जो WWE छोड़े उससे क्या फायदा हुआ WWE। वैसे आप लोग चाहें तो वो वीडियो जाकर देख सकते हो। वैसे मैं आपको बता दूं कि सबसे बड़ा फायदा ये हुआ कि हमें ब्लड लाइन देखने को मिला WWE के। अगर शील्ड फ्रैक्शन WWE के अंदर अगर आज तक रहती तो मैं सही बता रहा हूं यार, शील्ड फ्रैक्शन के अंदर WWE अंदर ही स्टोरी लाइन उनका चलवा दे। ये बात आप 100% कंफर्म ही मालूम कि कभी ब्लड लाइन हमें WWE के अंदर नहीं देखने को मिलता। आज रोमन है जिस मुकाम पे कभी भी नहीं। और दूसरी साइड अगर हम देखें तो ब्लड लाइन का सबसे बड़ा ड्रॉबैक अगर क्या हो तो वो हमारे सेथ रॉलिंस। ब्लड लाइन बनने से सबसे ज्यादा अगर घटा किसी को है तो वो सेथ रॉलिंस को है, ये बात आप कंफर्म मान ही लो। अगर आपको नहीं पता तो पूरे 3 साल से एक भी चैंपियनशिप बेल्ट नहीं है सेथ रॉलिंस के पास, रहता भी कैसे रोमन रेंज के पास था, क्योंकि आपको पता है बहुत अच्छे तरह से 2 साल से पिछले WWE वाले सिर्फ और सिर्फ रोमन रेंज का स्टोरी लाइन चला रहे और किसी भी रेसलर पर बहुत ज्यादा फोकस नहीं कर रही। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आखिर डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर वापस आएंगे या फिर नहीं, क्या हमें शील्ड देखने को मिलेगा फिर से या फिर। देखो सबसे पहले ये कंफर्म रिपोर्ट आप लोग जान लो कि 5 साल तक अभी
डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर तो वापस आने नहीं वाले क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर चुके हैं। अब हम बात कर लेते हैं क्या 5 साल के बाद डीन एम्ब्रोस आ सकते हैं WWE के अंदर या फिर तो भाई ये बात आप 100% कंफर्म मान लो कि डीन एम्ब्रोस अगर 5 साल के बाद अगर AEW कंपनी अगर रहा एग्जिस्ट किया तो WWE के अंदर कभी वापस नहीं आएंगे क्योंकि AEW कंपनी हर वो चीज दी है डीन एम्ब्रोस को जो कि WWE कभी दे नहीं पाई थी। और हाँ जिन लोगों के मन में ये सवाल होगा कि अब तो ट्रिपल ए CEO बन चुके हैं अब Vince McMahon नहीं है तो रिलेशन अच्छा हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं क्योंकि ये जो रिसेंट टाइम है 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट जो डीन एम्ब्रोस साइन किया जब ट्रिपल ए CEO बन चुके थे उसके बाद ही साइन किए। अगर इसके ऊपर एक और पॉइंट अगर आप ऐड करना चाहें तो ये भी पॉइंट है कि कभी भी डीन एम्ब्रोस WWE का नाम भी नहीं लेते अपने कंपनी के अंदर, कभी भी बात भी नहीं करते इंटरव्यू के अंदर। उनके सेम कंपनी के रेसलर जिनका नाम है MJF आई थिंक ये पहले WWE के अंदर भी थे, हाँ ये कंफर्म थे WWE के अंदर, ये ओपनली अपने कंपनी के अंदर AEW वाले के नाम लेते हैं WWE वालों का नाम लेते हैं, सब एक दूसरे को गाली देते हैं हर चीज वो करते हैं। पर जहां अगर आप बात करें WWE या फिर डीन एम्ब्रोस का तो ये तो एक दूसरे का नाम भी लेना नहीं चाहते। वैसे रिसेंट टाइम में आपने देखा होगा तो डीन एम्ब्रोस का नाम मेंशन किया था WWE वालों ने क्योंकि आई थिंक शील्ड का 10 साल पूरा हुआ। तो भाई चलिए अब अपने फाइनल रिजल्ट के ऊपर हम चलते हैं। तो भाई सबसे पहला पॉइंट ये है डीन एम्ब्रोस खुद से ही नहीं चाहेंगे मैं WWE के अंदर फिर से वापस जाऊं। अगर वो चाहे भी WWE के अंदर वापस जाना तो शायद WWE वाले उनको बुलाना नहीं चाहेंगे बल्कि शील्ड कितना भी बड़ा फ्रैक्शन। आप एग्जांपल के तौर पर CM Punk को ले सकते हो, जब CM Punk इंटरेस्टिंग थे रेसलिंग करने के लिए आज से आई थिंक 1 साल पहले तो WWE वाले उनको नहीं बुलाए। दूसरा एग्जांपल आप रायबैक का ले सकते हो, रायबैक कई बार इंटरेस्टेड थे कि हम WWE के अंदर वापस आना चाहते हैं, कई बार ट्वीट किए कि मैं रेसलिंग फिर से कर सकता हूं पर WWE वाले इनको नहीं कॉन्ट्रैक्ट। इसके पीछे बहुत सिंपल सा रीजन और भी बहुत सारे ऐसे रेसलर में आई थिंक ये वीडियो के अंदर कवर भी मैं आपको किया। तो भाई एक्चुअल में WWE वाले खुद से भी नहीं कॉन्ट्रैक्ट करना चाहते हैं डीन एम्ब्रोस को, WWE के अंदर डीन एम्ब्रोस आना भी नहीं चाहते। वैसे आप लोगों का ओपिनियन बहुत ज्यादा मैटर करता है तो सारे लोग कमेंट सेक्शन में इस बात को पूरा अच्छा से डिटेल में आप लोग बता सकते हैं कि आप चाहते हैं डीन एम्ब्रोस को वापस आना या फिर नहीं, या आपके अकॉर्डिंग क्या होने वाला है कि उसके कारण डीन एम्ब्रोस WWE के अंदर वापस आ सकते। और हाँ एक और मैं बहुत बड़ा आपको पॉइंट बताना भूल गया, थोड़ा सुन लीजिए आप लोग, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टर्म रेसलिंग वर्ल्ड के अंदर यूज किया जाता है, एक्चुअल में मुझे अभी नहीं याद आ रहा उसके अकॉर्डिंग एक कंपनी के रेसलर कुछ अपीयरेंस के लिए अगले कंपनी के अंदर जा सकते। मुझे एक्चुअल में वो टर्म अभी याद नहीं आ रहा, आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। पर हाँ ये WWE AEW कंपनी के साथ वो भी नहीं आई थिंक होने वाला है क्योंकि ये दोनों एक दूसरे का बहुत बड़े कंपटीटर कंपनी है तो ये चीज शायद से नहीं होने वाला है। मैं ये मानता हूँ कि बहुत सारे कंपनी के अंदर ये चीज हो चुका है। सबसे बेस्ट एग्जांपल आप Shinsuke Nakamura को ले सकते हैं, एक मैच रेसल करने को जा रहे हैं जापान के। अगर आपको एक और इसमें एग्जांपल बताऊं तो OC के दोनों मेंबर आई थिंक इंपैक्ट रेसलिंग के अंदर वो चैंपियन थे, टैग टीम चैंपियन, उसके बावजूद भी WWE के अंदर आए। WWE और AEW के बीच में ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, आई थिंक फ्यूचर के अंदर हो जाएगा मैं नहीं बता सकता। वैसे आज के वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, तो आप लोग सारे लोग को कमेंट करना, सारे लोग को सब्सक्राइब करना, आपको कैसा लगा वीडियो, नेक्स्ट टॉपिक कौन से टॉपिक के ऊपर नेक्स्ट वीडियो लाए सारे लोग कमेंट कीजिए। हाँ सारे लोग कमेंट किया करो, और जिन लोगों को मेरे से पर्सनली बात करना सारे लोग इंस्टाग्राम के ऊपर आ जाओ भाई, मैं सबसे बात करता हूँ तो सारे लोग आ जाओ।